आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ चिकन बनाने के लिए। तो हे गाइस, आज है 75 चैलेंज का 33वां दिन। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है, मुझे खाने का मन किया चिकन, तो फटाक से बैग निकालते हैं और पहुंच चुके हैं दुकान। और चिकन ऑर्डर देने के बाद एक केक फाड़ते हैं और खाने लगते हैं। और चिकन लेके पहुंच चुके हैं फटाक से घर। और घर आने के बाद चिकन को अच्छे से धोते हैं, मसाला रेडी करते हैं और प्याज काटते हैं। और प्याज काटने के बाद कढ़ाई को चढ़ाते हैं और कढ़ाई चढ़ाने के बाद तेल डालते हैं। तेल गर्म होने के बाद प्याज डालते हैं और प्याज अच्छे से भूनने के बाद फिर चिकन डालते हैं। और चिकन डालने के बाद थोड़ा चलाते हैं और झाप देते हैं। फिर झापने के बाद 5 मिनट छोड़ी दो चिकन। और छोड़ने के बाद 5 मिनट के बाद फिर से निकालो, चलाओ और चलाने के बाद देखो फिर चिकन अच्छे से पानी निकल पाया है कि नहीं। और अच्छे से पानी सूखने के बाद फिर क्या, एक एक करके सारे मसाला डालने लगो। हल्दी, गरम मसाला, चिकन मसाला और घर का मसाला जो होता है सब डाल दो। और डालने के बाद फिर नमक भी डाल दो। और नमक डालने के बाद फिर चिकन को चलाने लगो। और चिकन चलाने के बाद फिर ढक दो। और ढकने के बाद 5 से 10 मिनट छोड़ दो। और सिझ जाने के बाद फिर थोड़ा पानी दो और पानी दे के ढपका दो। और ढपकाने के बाद फिर चिकन उतार दो। फिर क्या, टेस्टी बढ़ाने के लिए थोड़ा धनिया पत्ता लाओ, अच्छे से धो के काट के दे दो। चिकन बन गया और चिकन तो काफी सुंदर बना। और ब्लॉग को